भाइयों को आपके अपने YouTube चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, रेगुलर रूटीन से अच्छे अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में हम हर उस साधारण किसान या फिर कोई सेल परचेज करने वाले भाई है, रेगुलर रूटीन से आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं और ज़्यादातर अपनी वीडियो जो सेल परचेज करने वाले भाई हैं वहाँ से लेके आते हैं। आज हम मंजीत भाई के जो कि डेयरी फार्म पर पहुँचे हुए हैं और आज हम आपके लिए दो थनों वाली जोटी की जो कि वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसे घर और व्यापार में शुभ माना जाता है। ज़्यादा ना टाइम लेते हुए जब स्क्रीन पर आप जोटी देख पा रहे हैं, हम इसकी जो कि संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो के अंदर भाई मंजीत से लेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कि एड्रेस है वो बताना चाहूँगा, गाँव खेड़ा थरू, डिस्ट्रिक्ट झज्जर और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई के पास और इस जोटी की जो कि डिटेल से लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहिब जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और जो भाई आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, हाँ जी हाँ जी, और जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं अपने चैनल पे अपने काम की वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे मौके मिलते हैं जिनमें हम कैमरे के सामने आ पाते हैं, हाँ जी हाँ जी, मोस्टली पीछे ही रहना पड़ता है, हाँ जी, और दूसरों के पशु या अपने पशु दिखाएं तो उनके बारे में थोड़ा विस्तार या एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश कम ही रहती है, हाँ जी हाँ जी, कम से कम बोल के दिखाते हैं, हाँ जी। तो ये अपने पास एक बेलनी भैंस है जो शायद मैं कहूँगा एक कुदरती करिश्मा मानो, जो मुर्रा से पैदा होती है, जो मीणी बूरी, हाँ जी हाँ जी, या बेलनी दो थनी दो, इसको काफी नाम से जानते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वैसे मैं इसने तीसरी बार कमिंग की है, हाँ जी, और दूसरी बार में इसने 17 किलो दूध एक आम फार्मर के घर से, 17 किलो दूध आम फार्मर के घर से, और अभी लगभग 10 दिन की होगी, 10 दिन की भी आई हुई है। दूध क्या पता ज्यादा हो, लेकिन हम 15 लीटर दूध इसमें अभी बता रहे हैं, 15 किलो दूध आज तैयार है, 15 किलो दूध मौके पर तैयार है, साथ में कचड़ी है। तो एक बार आप संपूर्ण दिखाएं, शायद इतने हाइट लेंथ और जो इसमें पीस है, हाँ जी हाँ जी, आपको नहीं मिलेगी, चौड़ाई का कोई जोड़ नहीं, हाँ जी। मैं आपको जो कि जोटी की जो कि क्वालिटी है वो दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सींग है, शरीर पर जस्ता हुआ रिंग सींग है, आप जो कि देख पा रहे हैं जो गर्दन की जो लंबाई है, और बात करें लाख भैंसों को चैलेंज कर सकते हैं कलर के मामले में, हाँ जी हाँ जी, और जो लेंथ भी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार। जैसे कि भाई ने बताया कि जो पीठ क्वालिटी है, शायद ही किसी किसी जोटी में जो कि इतनी पीठ हमें जो कि देखने को मिलती है सिंगल हड्डी की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल चौड़े पुट्ठे की, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी हाइट और लेंथ के साथ, ये देख सकते हो काफ़ी शानदार। दो थनों वाली जोटियों की जो पशुपालक भाई है काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि दो थनों वाली जो भैंसें होती है जिसे घर और व्यापार में इसे शुभ मान पा रहे हैं, काफ़ी शानदार चाल ये देख सकते हो काफ़ी शानदार। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 100 जोटियों में जो कि जो रंग है वो देखने को मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी आप इसमें जो कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार। बात करें अर्डर क्वालिटी की तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी जोशीला अर्डर है, और जो थनों में जो स्पेस है वो भी काफ़ी शानदार, थनों में जो नसें आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये देख सकते हो काफ़ी शानदार, ये देख सकते हो। जो टैल है लगभग हम मान सकते हैं कि 2 से 3 इंच बाल वाइट है, बाकी जो आप साथ में देख पा रहे हैं बाल है, और हाइट और लेंथ जो शांत स्वभाव आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार। भाई की हाइट से भी ये तो शांत के मामले में तो मान के चलो बेजोड़ है, ना से देख लो, हाँ जी हाँ जी, मेरे हिसाब से जर्सी गाय में मिलेंगे आपको देखने, हाँ जी हाँ जी। मैं आपको जो कि दिखाना चाहूंगा ये देख सकते हो, जो एक साफ साफ जो दुधारू पशुधन की जिसे पहचान जिसे कहा जाता है, ये देख सकते हो काफी जोशीला आर्डर है, दो थन आपको मिल जाएंगे, हाँ जी हाँ जी, लेकिन आगे से देखोगे तो पीछे के दिखाई पड़ेंगे, पीछे से जो बीच की दो लगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वैसे आज तक कहा नहीं, हाँ जी हाँ जी, अभी उम्मीद ये है कि कम से कम मान के चलिए आप, हाँ जी, 20 लीटर दूध आज इससे हम लगा रहे हैं, 20 किलो दूध खुला देगी, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, और हमारे मुर्गर की थोड़ी खरीदी हुई है, लेकिन आप मानो जिस भाई के पास काफी अच्छी केयर कर रखी है, हाँ जी काफी अच्छी खासी, जैसे कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि पिछले लैक्टेशन में जिसने 17 किलो दूध आम फार्मर के घर पर जो कि 17 किलो जो कि दूध दिया है, और भाई साहब बता रहे हैं कि अब की बार गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लेना, हाँ जी हाँ जी, इसको शुभ माना जाता है, हाँ जी हाँ जी, जिस भाई के घर गाय भी सेट नहीं, भैंस भी सेट नहीं होती, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो इसको काफी शुभ मानते हैं,
और काफी कम मिलती है। काफी कम मिलती है भाई साहब, ये तो बात है। और अगर दो थनों में 19 किलो तक 18-19 किलो हम निकाल चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। और उम्मीद इससे 20 किलो दूध की हम कर रहे हैं। हाँ जी। और उम्मीद नहीं, आज तक कैपेसिटी तो बहुत कम बताती है। हाँ जी हाँ जी। चाहे हमारे फार्म पे भैंस 1.5 महीने खड़ी रहे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं की बेचनी है। हाँ जी हाँ जी। अगर दूध वाली भैंस है। हाँ जी हाँ जी। तो आप मानिए 3 महीने की भी बिकेगी। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। अगर दूध नहीं देती। हाँ जी हाँ जी। उसके लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, एक्स्ट्रा बोले। बिल्कुल। कमियां निकालें। हाँ जी। अपना कमियां निकालने से ज्यादा मेहनत का काम है। हाँ जी। क्या पता मेरे घर से जोटी गई थी पहले व्यक्ति, 19 किलो दूध दिया था अमृतसर बब्बू प्रताड़। हाँ जी हाँ जी। साहब सिंह संधू के पास। हाँ जी हाँ जी। और दूसरे व्यक्ति में, पहले व्यक्ति में 19-20 किलो दूध, दो दांत थी, और दो दांत ने 19 किलो दूध, दूसरे व्यक्ति में 19 किलो दूध ही दिया। अच्छा अच्छा। तो ये नसीब का होता है। हाँ जी हाँ जी। जो मान लो जो किस्मत में है ना। हाँ जी। वो मिलेगा, कोई भाई ने कहे की गारंटी वारंटी। हाँ जी। यहाँ देखो चार टाइम। हाँ जी बिल्कुल। और अपना रेट मोस्टली रहता है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। वैसे भैंसे बेच चुका हूँ 5-5, 6-6 लाख रुपए की। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हर भाई का बजट नहीं होता, 1 लाख 1.25 लाख। हाँ जी। 35-40 इस रेंज के पशु 1.5 लाख तक आम आदमी ले लेता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो बाकी फिर बता रहा हूँ कितनी हाइट लेंथ मिलेगी भाई साहब। साथ में क्या फीमेल काफ है? फीमेल आपके पीछे, आप दिखा दो। मैं दिखाना चाहूंगा जो फीमेल काफ है। कौन से बुल की भाई साहब? बुल की भाई अपने को नहीं पता, पूछ के बता सकते हैं। जमींदार से आई है, बोल तू झूठ इसमें कि ये देख सकते हो काफी शानदार जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फीमेल काफ, काफी लमेट के साथ भाई साहब। इसके भी थन चार ही हैं, फिर दो उसके जो कि चार थन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कभी कभी ऐसी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल भाई साहब। बिल्कुल। पूरी नहीं है, थोड़े बाल बाल हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज्यादा फोन कॉल करके परेशान ना करे कोई भाई, ये सोच रहा हो कि जल्दी पड़ी है बेचने। हाँ जी हाँ जी। ऐसे जो पैसे होती है काफी कम बेचने की होती है, तो हाँ जी तरीके से बेचेंगे, ये तो नहीं कहते ठोक के। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ठोकेंगे किसको? हमारे जमींदार भाई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भाई। बाकी किसी को महंगी सस्ती का सिस्टम अलग है। हाँ जी। मौके का रेट होगा। हाँ जी ठीक है। और अपने पास होगी तो ठीक है, अगर सेल हो गई तो आपके वीडियो के ऊपर अलग से लिखवा दिया जाएगा कि सेल हो गई। ठीक है। तो दोस्तों ये थी कवरेज आप सब भाइयों की जो कि डिमांड थी कि दो थनों वाली भैंसों की जो कि वीडियो बनाएं। तो आज हम यादव डेयरी फार्म से आप लोगों के लिए दो थनों वाली जोटी की जो कि वीडियो लेके आए। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी छोटे पशुपालक के पास या फिर किसी हाईटेक डेयरी फार्म पर। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार।